ফুল করলা ফুলটু ফুল বাঁঠিয়া আপনাশ ফুল করলা ফুলটু ফুল বাঁঠিয়া আপনাশ बाका मूल का हेमा चला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो कैलाशो मेरे आ हेमा चला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो। ब्यूटिफुल सौरभ, ब्यूटिफुल। मैं सच कहूं कि इससे पहले कि हम आगे की बातचीत करें, मेरा पूरा ध्यान इस गाने पर है, क्योंकि इस गाने से दरअसल मेरी बहुत सारी यादें हैं। 15 अप्रैल 1948 यानी कि वो दिन जब भारत के लिए हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश के भारत का एक राज्य होने पर मोहर लगी थी, लेकिन ये खूबसूरत पहाड़, ये खूबसूरत वादियां किसी मोहर की मोहताज है नहीं। आज हिमाचल दिवस है, तो हिमाचल दिवस में जगह जगह हिमाचल की तारीफें होंगी, हिमाचल की तारीफें की जाएगी, संस्कृति को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन धरातल पर सच्चाई की बात करें तो धीरे धीरे उस सुंदर धरोहर को हम खोने लगे हैं, उस असलियत को, उस खूबसूरती को हम काफी हद तक पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी हिमाचल प्रदेश में कुछ युवा हैं जो हिमाचल प्रदेश की उस खूबसूरत संस्कृति को संजोए हुए हैं, और आज एक ऐसे ही खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे बीच मौजूद हैं सौरभ। सबसे पहले सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है नेशन स्पीक्स में। और इससे पहले हम बताएं कि सौरभ क्या करते हैं, कैसे करते हैं, शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते भी होंगे। मैं चाहूंगी कि सौरभ एक नमूना जो है हमारे दर्शकों को सुना दिया जाए कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। फुल करला फुलटू फुल बाँठिया अपना शो फुल करला फुलटू फुल बाँठिया अपना शो बाका मूल का हेमा चला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो कैलाशो मेरे आ हेमा चला तेरी चोटी ऊपरे कैलाशो। ब्यूटिफुल सौरभ, ब्यूटिफुल। मैं सच कहूं कि इससे पहले कि हम आगे की बातचीत करें, मेरा पूरा ध्यान इस गाने पर है, क्योंकि इस गाने से दरअसल मेरी बहुत सारी यादें हैं। मैं यूं कहूं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सभी की खूब सारी यादें हैं। जब भी हम डांस करने निकलते थे, हिमाचल डे पर हो या किसी भी इवेंट में, तो सबसे पहले इसी गाने से शुरुआत हुआ करती थी। और जैसा कि आपने एक नमूना देखा, सौरभ दरअसल गाते हैं, सिंगर हैं, और हिमाचल प्रदेश में जैसा कि मैंने कहा ज़्यादातर लोग इन्हें जानते भी होंगे। और सौरभ, सबसे पहले गाने की शुरुआत कैसे हुई है वो आप बता दें कि यहाँ से शुरुआत हुई, ऐसे किससे बनने शुरू हुए। गाने की शुरुआत जो है 2004 में हुई, जब थर्ड क्लास में जो है मुझे हमारे सर ने कहा कि एक कुछ कंपटीशन है, उसके लिए आपको गाना गाना है। तो उन्होंने मुझे जो है एक कैसेट में जो है लता जी का एक गाना सुनाया और कहा कि आपको ये ऐसा ही गाना है। अब मुझे इतना ज़्यादा संगीत की समझ तो नहीं थी इतनी छोटी एज में, पर कोशिश किया उसको जैसे सुनो उसको पूरा इमिटेट करके, उसको पूरा कॉपी करने की कोशिश की। तो वहाँ से वो शुरुआत की पहली परफॉर्मेंस थी, और धीरे धीरे करके स्कूल के स्टेजेस पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और स्कूल के मतलब लेटर हाफ में नेशनल लेवल पे भी जो है परफॉर्म करते करते, फिर धीरे धीरे म्यूजिक की जैसे जैसे समझ गहरी हुई तो लगा कि प्रोफेशनली जो है इसको फॉलो किया जा सकता है। जी, यानी स्कूल में आप वो बच्चे रहे होंगे जब कोई भी फंक्शन हो तो उस बच्चे को कहा जाता है कि जल्दी से स्टेज पर आओ, तुम्हें गाना गाना है। यानी वो सारी मेमोरीज जब आप बुलाए जाते हैं, कई दफ़ा गाने का मूड ना हो तो भी आप गा लेते हैं। लेकिन जितना थोड़ी देर पहले मैं और सौरभ बात कर रहे थे तो सौरभ की बातों से मुझे पता चला है कि सौरभ हमेशा से गाना चाहते थे। इसके उन्होंने कहा कि संगीत के लिए जो प्यार है उसे प्यार से कहीं ज़्यादा समझिए, तो यानी खूबसूरती जो है गाने के साथ बचपन से जुड़ी रही। हाँ, इनफैक्ट
स्कूल के वक्त जो है हर हफ्ते मैं कहूँगा हर हफ्ते शनिवार को जब सारे स्कूल के हाउसेस जो है इकट्ठे बैठते थे तो एक दो गाने तो जो है वो मतलब पूरा स्कूल सुनता ही था जी। तो तब से जो है एक बहुत एक तब महसूस हुआ कि जब गाते गाते जो है आपको कुछ अंदर कुछ तार महसूस होते हैं ना कि यार ये बेस्ट फीलिंग है, तो वहाँ से थोड़ा जो है इसके साथ लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और वो अभी तक जो है वो बढ़ ही रहा है जी। और सौरभ जो है पहाड़ी गानों को यदि आप इनका सोशल मीडिया चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सौरभ पहाड़ी गानों को उसी तरीके से आज भी गाते हैं जिस तरीके से कई सारे सिंगर्स गाकर चले भी गए हैं, मौजूद भी हैं और कई बड़े बड़े सिंगर्स गानों को गाते हैं, क्योंकि सौरभ मॉडर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक में हुआ है। हालांकि इवॉल्व होना अच्छा है लेकिन जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन है उसे लेकर सौरभ के कुछ विचार हैं। सौरभ कहते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि एक आम आदमी तक पहाड़ी कल्चर पहुंचे जो उसकी रूट्स हैं उसकी जड़ें हैं तो वैसे ही पहुंचे, क्या कहेंगे सौरभ? फोक म्यूजिक का एक सीधा सा मतलब है कि जो आपका एक जो उसका बेसिक एसेंस है वो सुनने में भी वो वैसा ही लगना चाहिए। और अगर आप, मेरा ये मानना है, निजी तौर पर मानना है कि अगर आप उसको गाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको प्रोफेशनली जो है आगे परस्यू करें, तो कोशिश करें कि जो है एक जो उसकी स्पिरिट है वो स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए कि आप उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, पर उस हद तक जहां तक लगे कि ये हाँ ये फोक म्यूजिक ही है। क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा उसमें अगर आपने वैरायटीज और एडिटिंग और ये सब बहुत ज्यादा कर दिया तो फिर वो ठीक है, वो हो सकता है एक सर्टेन क्लास के लोगों को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को जो है वो बहुत अट्रैक्टिव लगे कि नहीं मॉडर्न लग रहा है और पूरा मतलब बिल्कुल इसमें हिप हॉप बीट्स हैं सब कुछ है, पर फिर आप उसको फोक की कैटेगरी में तो शायद नहीं रख सकते। और मेरा ये मानना है, इसलिए मैं सुनने का भी वैसा ही शौकीन रहा हूँ। डॉक्टर के एल सहगल साहब जो है हिमाचल के मतलब बहुत ही जाने माने हमारे दिग्गज हैं और बचपन से उनको सुनने का बहुत एक शौक भी रहा है। और किस्मत अच्छी रही कि जब थोड़े बड़े हुए उसके बाद से दो तीन बार उनके साथ स्टेज शेयर करने का भी मौका मिला, तो उनको सुन के जो है, क्योंकि उनका जो एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक था या अभी भी है वो इतना इतना खूबसूरत और इतना इतना मतलब सुरमयी है कि उसमें आपको लगेगा नहीं कि यार ठीक है मॉडर्न उनके ट्रैक्स पे निकले, लेकिन उसमें वो फोक का एक जो एक तरीका है वो कायम है। पर्सनली सौरभ, मुझे अगर मैं खुद की बात करूं, मैं हिमाचल प्रदेश से ही हूं इसलिए मुझे अगर मैं पहाड़ी म्यूजिक सुनना पसंद करती हूं तो जो फोक तरीका है वो आज भी मुझे अट्रैक्ट करता है, मुझे वही पुरानी बीट्स उसी तरीके से गाए हुए गाने पसंद है। और मुझे लगता है कि मेरी तरह जो नई जनरेशन है वो भी शायद वापस अपनी रूट्स को उसी तरीके से देखना चाहती है। इसी टॉपिक पे मुझे एक चीज ध्यान आ रही है कि पिछले दो तीन साल में स्पेशली लॉकडाउन के टाइम से भी और उससे पहले से भी, मैं जब से मैंने 2016 में जो है यूट्यूब पे वीडियोस डालना से शुरू किया, क्योंकि यूट्यूब पे उस टाइम पे पता नहीं था कि डाल क्यों रहे, पर ऐसे ही डाल दिया और बहुत ऐसा रॉ वीडियो था, किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजा और मैंने वो पोस्ट कर दिया। तो मैंने एक दो सालों में देखा कि जो एक रॉ वीडियोज हैं चाहे उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है। मतलब एक बहुत सारा सेक्शन आज भी ऐसा है जो हु क्रेव फॉर दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, कि जिनको पसंद है। और पिछले एक दो सालों में तो इतना ज्यादा जो है इसका जो एक जैसे अपर शिमला की में क्या होता है महफिलों का जो है बहुत क्रेज है और वहाँ के लोग जो है बिल्कुल वही आपका एक जो पहाड़ी ढोल है हारमोनियम पे जो है पुराना जो जितने भी फोक सॉन्ग्स हैं नाटी है या कोई ढीली नाटियाँ हैं जो जो भी है वो सुनना पसंद करते हैं। और अभी पिछले एक दो साल में मैंने एक बड़ा ड्रास्टिक सा चेंज देखा है कि लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ा है, कुछ और कलाकार भी हैं जो मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा खासा जो है उनको एक अट्रैक्शन और जो है लोगों की तरफ से जो है एक रुझान काफी देखने को मिला। आपने किसी नाटी की बात की कि ढीली नाटी या फिर इस तरह कोई एक ऐसी नाटी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो वो सुना दीजिए कि ये मेरी फेवरेट है और मुझे लगता है कि इसके साथ मेरी मेमोरीज भी ज्यादा है, या इस तरीके से कोई भी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। बड़ा मुश्किल है, ढीली नाटियों में मुझे एक नाटी ध्यान आ रही है, उसको मैंने बहुत गाया है कई बार स्टेजेस पे। ये बेसिकली जो है एक ठोडा नृत्य जो है होता है उसके लिए जो है इस नाटी का जो गायन किया जाता है।
मारे विशु खेले जाना, विशु बोलो मेले रा हमो चाओ रे, मारे विशु खेले जाना, विशु बोलो मेले रा हमो चाओ रे, लगा ठोडे रा लगा ठोडे रा खेलो, नाटी बोलो नाचनेरा हमो चाओ रे, लगा ठोडे रा खेलो, नाटी बोलो नाचनेरा हमो चाओ रे। The authenticity in your voice. Trust me, Saurav, यहाँ पर मैं कहूँगी कि जितने लोग behind the camera है या फिर in front of camera है, आप बहुत सारे fans यहाँ से अर्जित या earn करके जाने वाले हैं, because it's just so beautiful. क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैंने जैसा कुछ देर पहले भी कहा कि जब भी मैं पहाड़ी गाने सुनती हूँ, मुझे वो authenticity चाहिए, आवाज़ में वो authenticity और गाने के तरीके में वो authenticity. क्योंकि देखिए, इवॉल्व होना, आगे बढ़ना, गानों को बदलना, संस्कृति में कुछ नया हो जाना अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक वो जो हम रॉ चीज़ें ढूंढते हैं कि आखिर हमारा कल्चर था कैसा, उसे संजोए रखना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस ज़माने में जब हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है. क्या आपको लगता है कि इस तरीके की ऑडियंस को बांधे रखना जो रॉ चाहती है, ईजी है या फिर एक डिफ़िकल्ट टास्क है इस टाइम में जब सब इवॉल्व हो रहा है, उस तरीके से रॉ कंटेंट बनाना? इसमें मेरा थोड़े से विचार थोड़े अलग है. मेरा ये मानना है कि जितना अभी लोग, जितना अभी फोक म्यूजिक, अभी जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं, चाहे शिमला, सिरमौर, सोलन या कांगड़ा, कहीं के भी हैं, मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों को उस तरीके से चीज़ें परोसोगे नहीं, तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में चीज़ थी क्या. मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ परोसोगे, आप अच्छा परोसोगे, तो लोगों का टेस्ट अच्छा बनेगा. अगर आप उनको एक पर्टिकुलर स्टाइल से जो है नाटियाँ जो है आप उनको सुनाओगे, या जैसा भी अभी एक फॉर्मेट है, तो मतलब लोगों को जब तक पता ही नहीं चलेगा कि यार ऐसा गाने वाले भी हैं या ऐसे भी गा सकते हैं इसको, तो फिर वो मतलब सुनेंगे कैसे? क्योंकि जितना भी मेजॉरिटी ऑफ म्यूजिक जो है वो इसी तरह का है. पर एक चीज इसमें खास ये है कि अगर आप वैसी मॉडर्न म्यूजिक सुनने वालों को भी अगर आप ये पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ जो एक गायकी जो आप सुनाओगे, तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये सुनना है. मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई सुनना नहीं चाहता इसको, पर सुनाने वाले कम है. यानी आप कहना चाहते हैं कि जो सर्व किया जा रहा है वो कंटेंट जैसा भी है लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, पसंद आ रहा है, लेकिन अगर हम उन्हें रॉ सुनाएंगे, नेचुरल सुनाएंगे, तो शायद वो भी उतना ही पसंद किया सुनाएंगे. और प्लस जो फोक म्यूजिक में क्या है ना कि सिर्फ म्यूजिक अगर फोक सी है तो वो भी उतना मैटर नहीं करता, साथ साथ जो उसके शब्द है. क्योंकि अभी ऐसा है कि अभी किसी भी टॉपिक पे गाने बनते हैं, मतलब कुछ भी मन करेगा तो, मतलब ठीक है, अपना अपना सबका टेस्ट है. और मेरा ये भी मानना है, देखो आपको बहुत लिबरल रहना चाहिए सोच में, कि हर किसी का एक अलग अलग टाइप का इंटरेस्ट रहता है. बिल्कुल बिल्कुल. पर अगर आप फोक म्यूजिक की बात करेंगे और अगर आप चाहते हो कि अच्छा कोई सुने, तो अच्छा सुनने के लिए जो है अच्छी कॉम्पोजिशन में जो है उसके लिरिक्स भी अच्छे होने चाहिए. और एक होता है ना कि अच्छा कुछ मतलब निकलना चाहिए उसका, ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है आपने कोई दो लाइन पकड़ ली उस पर आपने कुछ भी वो करके, तो आपका एक अच्छे उसकी जो राइटिंग स्किल्स प्लस उसकी कंपोजिशन प्लस फिर जिस तरीके के आप उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, फिर वो सब चीजें मिलके जो है कि मतलब अच्छी कंपोजिशन तैयार करती है मेरी नजरों में, मतलब मेरे जो एक पर्सनल शौक है. बिल्कुल. सौरभ, आपके बारे में एक फैक्ट भी हमें पता चला है कि एजुकेशन बिल्कुल डिफरेंट है और लाइफ में आर्ट है, तो उसके बारे में मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि एजुकेशन क्या है और इंटरेस्ट क्या है. ये ऐसा सवाल है कि आज भी जो है, इनफैक्ट मेरे कॉलेज टाइम से, यूनिवर्सिटी टाइम से जो है, सबको हमेशा से यही रहा है कि आइदर आई एम डूइंग समथिंग इन म्यूजिक, जैसा रिसर्च या कुछ भी ऐसी स्टडीज में हुई है, लेकिन सच ये है कि जो है मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में है. और वो मैं अगर दिल की बात कहूँ को, तो मन में हमेशा से वो एक हल्का सा मलाल है कि म्यूजिक को और गहराई से सीख सकता था अगर एज ए सब्जेक्ट इसको परसीव किया होता, पर उस टाइम पे जो है
जो भी कारण रहे, चाहे वो लैक ऑफ गाइडेंस था या जैसा भी था, तो स्टडी मेरी पॉलिटिकल साइंस में रही है, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म और हिस्ट्री जो मेरे मेन सब्जेक्ट रहे हैं कॉलेज टाइम में. उसके बाद मास्टर्स मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से रही. पर कॉलेज टाइम से ही, इनफैक्ट सेकेंड ईयर में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा जो मेरे दिल का रुझान है वो संगीत की तरफ है. तो उस टाइम पे मेरे पास दो ऑप्शन थे कि चलो ठीक है, या तो आप जिंदगी भर के लिए मलाल रख सकते हो कि यार नहीं रख पाया कुछ, या फिर आप ये कर सकते हो कि जो जितना बेस्ट पॉसिबल है, अगर आप वैसे नहीं सीख सकते तो मेरे हाथ में इतना है कि मैं अच्छे आर्टिस्ट को सुन सकता हूँ दिन रात, वहां से मैं जितनी चीजें उनसे सीख सकता हूँ वो मैंने किया है, मतलब साल दर साल, और अभी भी करता हूँ. तो अगर उसको थ्योरेटिकली उतना नहीं सीख पाए तो मैं सुन सुन के कोशिश करते रहता हूँ कि इतना इतना कुछ कुछ मतलब सीखते रहे. बिल्कुल, सीखने के लिए बस जील होना जरूरी है. आप सीख कहीं से और कैसे भी सकते हैं. और सौरभ, इसके साथ साथ आपने बताया कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो मेरा सवाल है आपसे कि यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल देखने को मिलता था? यूनिवर्सिटी में भी वही कि आप परफॉर्म करने के लिए जाते थे, और जहां पर भी हिमाचल एसोसिएशन कुछ भी करे या फिर हिमाचल के स्टूडेंट्स कुछ करे तो वहां पर सौरभ को पहुंचना है. हिमाचल के जितनी भी यूनियन है उनके फंक्शंस में तो मैंने परफॉर्म किया भी है, और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जितने भी फेस्ट होते थे साल में, तो उसमें कॉम्पिटिशन्स में भी पूरा जो है वो उसका मैं हिस्सा रहा. और मतलब यूनिवर्सिटी के लगभग हर उसमें जैसा भी इवेंट रहता था, तो मेरी मतलब कोशिश करता था मैं कि जो पार्टिसिपेशन रहे. और इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के टाइम पे ही जो है चंडीगढ़ के बाकी जितने क्लब्स हैं या मतलब और जगह पे भी किसी एनजीओ के लिए या किसी उसके लिए जो जब जब कोई पॉसिबिलिटी बनी है परफॉर्म करने की, मैंने हमेशा कोशिश किया है कि मैं उसको जो है अच्छे से उसका जो एक फ़ायदा उठाऊँ. ओके, सौरभ, ऐसा कोई गाना है, ऐसी कोई नाटी है जो आप सोचते हो कि काश इसे पहले ओरिजिनली मैंने गाया होता? ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से गाने होंगे जो आपको लगता हो कि इसे मैं गाता तो ऐसे गाता, या फिर ये मेरी आवाज में गाना शायद ऐसे होता, ऐसी कोई नाटी? ऐसा इस तरीके से तो कभी नहीं सोचा, पर ये है कि बहुत सारी इतनी सारी ऐसी कॉम्पोजिशंस हैं कि उनको अभी भी जब लाइव कभी परफॉर्म करता हूँ तो लगता है कि नहीं ये थोड़ा उनको जितनी बार गा उतनी बार वो नहीं लगती हैं. अब जैसे मैंने सहगल सर का जिक्र किया, उनकी दो कॉम्पोजिशन ऐसी हैं, वो बहुत क्लासिकली बेस्ड कॉम्पोजिशन है, 16 मात्रा की नाटियाँ उनको कहते हैं. उनको वो तो ऐसा, इवन फोक म्यूजिक में वो ऐसा एक सेक्शन है जो 16 मात्रा की नाटियाँ, वो तो मतलब पूरे हिमाचल में ही जो है वो कहीं बहुत रेयरली सुनने को मिलेगा. तो हाँ, वो कंपोजिशन मैं बहुत दिल से गाता हूँ, उनमें से मैं एक जो है आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ जी. और जिस तरीके से सौरभ गानों को लेकर, स्पेशली हिमाचली गानों को लेकर बात कर रही हैं, मुझे लगता है सभी दर्शक ये देख चुके हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है हिमाचली फोक म्यूज़िक को लेकर आप में है, क्योंकि जितनी खूबसूरती से आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस जो आपके एक्सप्रेशन स्पेशली गानों को लेकर है, वो बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट कल्चर को लेकर है. देखिए, फॉर्मेट मुझे गजल्स हिंदी और सुनने में तो इनफैक्ट मैं पूरा वेस्टर्न और जितने भी अलग अलग टाइप के जॉनर हिप हॉप से लेके सब चीज़ें मुझे पसंद हैं. लेकिन फोक म्यूजिक से लगाव शायद इसलिए भी ज़्यादा है कि एक तो ये आपको आपके रूट्स की तरफ जो है जोड़ता है, और एक इसको अगर आप सिर्फ सुन भी रहे हो ना तो फिर वो सुन के भी वो लगता है कि वाह, क्योंकि अभी जितना एक फ्लो ऑफ म्यूजिक है ना, हर टाइप का म्यूजिक आपके पास इजीली एक्सेसिबल है फोन पे, तो जब आप फोक सुनते हो आपको यूँ लगता है कि अरे वाह, उसका जो सुकून है वो मतलब उसको शब्दों में बांधना भी बड़ा मुश्किल है. और आपकी इस बात से मैं पूरी सहमत हूँ कि फोक म्यूजिक की जो एसेंस है उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है, उसे बस फील करना मैं कहूँगी ज्यादा आसान लगता है कि शब्दों में उसे ढाल सके. बिल्कुल, यही मेरी गाते वक्त यही कोशिश रहती है कि परफॉर्मेंस मेरे लिए सेकेंडरी, फर्स्ट मेरे लिए उस चीज़ को इन्जॉय करना रहता है कि कुछ भी मैं गा रहा हूँ, चाहे वो हिंदी है या कोई भी है, तो उसका एक जो एक वो फील है वो पहले मैं खुद लूँ, बाकी कोशिश करूँ कि सामने वाले को भी जितना वो हो पाए मतलब जी. हाँ, आप एक नाटी सुनाने वाले थे, मुझे लगता है दर्शक वेट कर रहे होंगे. बिल्कुल. हाँ,
मरचिए चाली बे दाड़िए राणा तो बोलो मिए धमीरा किंदी मरचिए चाली बे दाड़िए मास तो खाया तेरा लुकुए हड़ो बिक देना चाली बे दाड़िए हड़ो बिक देना चाली बे दाड़िए राणा तो बोलो मिये धमीरा ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कैमरा के पीछे से बहुत सारे और कैमरा जो है फ्लैश होने शुरू हो गए हैं। और आपको पता है कि आपके ये गाने सुनकर मुझे क्या याद आ रहा है? जब मैं स्कूल में हुआ करती थी और फिफ्थ स्टैंडर्ड तक मुझे नाचने का बहुत शौक रहा करता था, और जो स्कूल में वो नाटी ग्रुप हुआ करता था उसमें सबसे आगे खड़े होकर परफॉर्म करती थी। और आपकी इस वॉइस से, वो गाने के तरीके से, बस वही सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो रही हैं। और आई एम डेफिनेटली श्योर कि जितने लोग बिहाइंड द कैमराज हैं या फिर इस शो को देख रहे हैं, वो सभी भी इन सारी मेमोरीज को ज़रूर रिफ्रेश कर रहे होंगे, क्योंकि वो जो आवाज़ है ना, वो नेचुरल होना, वो रॉ होना, ये हमारे बचपन में हुआ करता था जब हम बिल्कुल छोटे थे, स्कूल में परफॉर्म करते थे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके से अभी भी इतना ही प्यार, इतना ही इंटरेस्ट जो है फोक म्यूजिक को दे रहे हैं। देखिए, मेरा एक बड़ा एक अपना सिंपल एक फंडा है लाइफ में कि कुछ भी काम मैं करूँ, चाहे वो गायकी है, चाहे बातचीत है, या कोई भी काम, वो उसमें ना ईमानदारी रहनी चाहिए। अगर आप ईमानदारी से गा रहे हो ना दिल से, लाइक वट एवर यू आर सिंगिंग इज यू मीन इट, वैसा तो फिर वो आप चाहे अगर बेसुरे भी हो जाओगे, कुछ भी हो जाओगे, लेकिन वो एक ना वो चेहरा तो झूठ नहीं बोलता आपका, वो चेहरे से पता चल जाता है कि दिल से गा रहे हैं या दिल से कह रहे हैं। तो फोक म्यूजिक का पर्पज ये है कि आपको लगे, जैसा आप कह रहे हो ना कि वो पुराने दिन, वो एक नॉस्टैल्जिया टाइप वो आपको याद आ रहा है, और एक वो बिल्कुल वो रॉनेस, तो ये चीज़ थोड़ी मिसिंग है आज की डेट में। लेकिन मेरा पर्सनली मेरी प्रायोरिटी रहती है कि गाते हुए भी ये चीज़ का एहसास मैं करवा पाऊँ। अगर ये करवा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत एक खुशकिस्मती की बात है कि अगर मैं ये अपने जो भी श्रोता है उनको मैं उस चीज़ का एहसास करवा पाऊँ, तो अच्छा लगता है जब लोग वो उस तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। और बींग अ यूथ, आप हमारे यूथ से क्या दरख्वास्त करते हैं कि अपने कल्चर को कैसे बचाना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है? सभी से मैं यही कह सकता हूँ, चाहे वो यूथ है या कोई भी जो भी आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आपकी जो रीति रिवाज है म्यूज़िक बाद में, जो आपके बेसिक जो रीति रिवाज है आपके, एक जैसा हमारे पहाड़ों में एक हर एक पर्टिकुलर एरिया का एक एक लाइफस्टाइल है, वहाँ की भाषा एक बहुत बड़ा एक माध्यम है कि इस पे मैं जरूर कहूंगा कि लोगों को लगता है कि उनकी जो जैसे पहाड़ी भाषा है उसको बोलने में लोग थोड़ा कतराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाषा को पूरे दिल से बोलिए, और मैं ये कहता हूँ कि हर भाषा, आप हिंदी पे भी उतनी अच्छी पकड़ रखिए, इंग्लिश पे भी उतनी अच्छी पकड़ रखिए, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योर लैंग्वेज, द लैंग्वेज वेयर आर यू फ्रॉम, मतलब वो आप घर पे रहते हो तो अपनी भाषा में कोशिश कीजिए कि बात करें, नहीं आती है तो सीखिए, क्योंकि इसका सुकून बहुत अलग है। और भाषा से अपनी प्यार करिए, कोई आपको आपकी भाषा के लिए जज नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप क्योंकि क्या है कि यूथ क्या है कि वो थोड़े जजमेंट से डरता है कि अच्छा ठीक है अगर मैं इस भाषा में, अगर इनफैक्ट गाने वाले भी वो सोचते हैं कि अगर हम यार फोक म्यूजिक को अगर ये करेंगे तो यार लोग ऐसे सोचेंगे कि नहीं ये थोड़े पुराने ख्याल का है या तो हाँ, उसके लिए आप अलग सारे फॉर्मेट को परस्यू कीजिए, ताकि अगर किसी को डाउट रहे तो आप हर चीज़ की, हर तरह से जो है चीज़ों को प्रेजेंट कर सकें। भाषा और एक आपका एक जो रीति रिवाज है, आपके जो देवी, हिमाचल में देवी जैसे देवभूमि है, बिल्कुल आपके देवी देवताओं में जो है आपकी आस्था पूरी सुदृढ़ रहनी चाहिए, और जो भी उनके रीति रिवाज हैं, उनके मंदिरों से रिलेटेड, उनके जो भी पूजा से रिलेटेड है, उनको पूरे दिल से आप जो है फॉलो कीजिए, और आप पर बहुत कृपा रहेगी। मेरा यह मानना है कि कृपा रहती है अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो आपका जो देवी देवताओं से जो है अच्छा खासा जो है आध्यात्मिक रूप से आप सुदृढ़ रहे, किसी ना किसी जो है कहीं भी आपकी आस्था हो आप वहां पे उसको जो है पूरा केंद्रित कीजिए, जिससे आपको एक अपना एक पर्सनल जो है सुकून मिलेगा। बिल्कुल, और म्यूजिक में तो ऐसा है कि कोशिश कीजिए कि उस तरीके का म्यूजिक सुने और फॉलो करें कि जिसका कुछ मतलब निकलता हो, या जिसमें एक लगे कि हाँ इसको आप दिन के किसी भी वक्त पे सुन सकते हो। ठीक है, अभी जैसे पार्टी टाइप म्यूजिक चलता है वो भी अच्छा है, पर पार्टी टाइप म्यूजिक जो है आप दिन के हर पहर में नहीं सुन सकते। बिल्कुल, मतलब म्यूजिक ऐसा हो कि जिसको आप जितनी बार सुने आपको लगे कि नहीं बोर नहीं हुआ। नाइस तो, और सौरभ के बहुत सारे सजेशंस, और सभी सजेशन से मैं कहूँगी कि मैं पूरी सहमति रखती हूँ कि हमको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हिमाचल डे है, तो उस सबसे मैं कहूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट आज हिमाचल डे पे यही एक मैसेज है कि आप हिमाचल की धरोहर को संभाले रखिए। आप यूथ हैं, हम वो पीढ़ी हैं जो आगे अगली पीढ़ी को इन सारी चीज़ों के संस्कार देंगे, ज्ञान देंगे। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर हमारी जो धरोहर है उसे प्रोटेक्ट करें, उसे बचाएं, और बिल्कुल भी जैसा कि सौरभ ने कहा कि शर्माए नहीं, कतराए नहीं, अपनी भाषा का इस्तेमाल करें, अपने कल्चर को संजोए और वो जो देव आस्था है उसे बनाए रखें। सौरभ, जाने से पहले एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गाना हम सारी जो ऑडियंस है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे फैंस तो खैर आपके यहाँ पर भी इकट्ठे हो गए हैं। चलिए एक मैं एक लास्ट में एक फोक सॉन्ग सुनाने की कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि पूरी ऑडियंस जो है बिल्कुल अपनी स्क्रीन्स को लेकर बिल्कुल करीब बैठे होंगे, इतना खूबसूरत आपने गाया। और बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ कि आपने टाइम दिया, और थैंक यू सो मच कि आप हिमाचल प्रदेश के कल्चर को, संस्कृति को संजोए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से आगे भी हमारे कल्चर को प्रमोट करते रहेंगे, और इसी तरीके से आने वाले हिमाचल डे हो या फिर कोई भी फेस्टिवल हो, आपकी तरफ से इसी तरीके से हिमाचल को आगे बढ़ाने की, संस्कृति को आगे बढ़ाने का संदेश जो है आप देते रहेंगे और यूं ही साथ लेकर चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन फोक म्यूजिक से रिलेटेड, हिमाचल से रिलेटेड इन सब मुद्दों पे बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इट्स अ प्लेजर। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू।